Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about equity theory of motivation. अब equity theory of motivation क्या बताती है? Simple language में अगर हम बात करें, equity theory of motivation ये बताती है कि एक employee जो एक organization में काम करता है, वो basically क्या करता है? Balance create करने की कोशिश करता है. Balance किसके बीच में? जो input वो एक organization को देता है या जो input एक organization में लगाता है, उसके बदले में उसको कितना output मिल रहा है? Okay? Simply input means क्या है? जितनी energy, जितने एफर्ट, जितना टाइम वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है, उसके बदले में उसको कितनी सैलरी मिल रही है, उसको क्या प्रमोशन मिल रही है, उसको क्या रिकॉग्निशन मिल रहा है, ठीक है? उन दोनों के बीच में वो क्या करता है? सिंपली बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है. मींस इसका मतलब क्या है? इक्विटी थ्योरी क्या बताती है? एक बंदा जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो जो इनपुट एक ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है, उसके बदले में उसको क्या आउटपुट मिल रहा है. ओके, इसी पे ये थ्योरी बेस्ड है. अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में ये थ्योरी समझा देती हूँ, ठीक है? ये थ्योरी दी किसने है? जॉन स्टेसी एडम ने दी है, ठीक है? ये थ्योरी किसने दी है? जॉन स्टेसी एडम ने दी है. कब दी थी? 1963 में दी थी. ओके, तो इस थ्योरी में बेसिकली वो क्या बात करता है? इंप्लॉयज बेसिकली क्या करता है? क्रिएट बैलेंस बिटवीन इनपुट दैट ब्रिंग्स इन जॉब एंड आउटपुट रिसीव्स, ठीक है? सिंपली एक एम्प्लॉयज क्या करता है? बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है. किसके बीच में? ट्राई टू क्रिएट अ बैलेंस. किसके बीच में? इनपुट जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो लगाता है और आउटपुट जो उसे रिसीव होते हैं. अब इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है? ओके, इनपुट मींस टाइम, एफर्ट, हार्डवर्क, एनर्जी, ये क्या है? उसके इनपुट है. आउटपुट सैलरी, इंसेंटिव्स, प्रमोशन, जॉब सिक्योरिटी, ये क्या है? उसके आउटपुट है, ठीक है? सिंपली एक एम्प्लॉयज क्या चाहता है? कि एक बैलेंस क्रिएट हो. किसके बीच में? इनपुट्स के बीच में और आउटपुट के बीच में. इनपुट्स क्या है? टाइम, एफर्ट, हार्डवर्क, एनर्जी, जो वो अपनी जॉब में पुट करता है, उसके बदले में उसे कितनी सैलरी मिल रही है, कितने इंसेंटिव मिल रहे हैं, कितना प्रमोशन मिल रहा है, कितनी जॉब सिक्योरिटी मिल रही है. ओके, क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करना चाहता है एक्चुअल में, ठीक है? इनपुट और आउटपुट के बीच में बैलेंस. ओके, मींस कितना इनपुट वो लगा रहा है, उसके बदले में उसको कितना आउटपुट मिल रहा है. ओके, तो वो बेसिकली एक तो वो अपने आप से कंपैरिजन करता है कि वो कितना इनपुट लगा रहा है और उसके बदले में उसको कितना आउटपुट मिल रहा है. सेकंड थिंग, वो दूसरों से भी कंपैरिजन कर रहा है, दूसरे कितना इनपुट लगा रहे हैं और दूसरों को कितना आउटपुट मिल रहा है. समझ में आया? एक बंदा खुद से कंपैरिजन कर रहा है, एक बंदा दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है? हम, ये ह्यूमन बीइंग का नेचर ही है. हम लोग भी पहले तो अपने आप से कंपैरिजन करते हैं कि मैं कितना काम कर रही हूँ, उसके बदले मुझे कितना मिल रहा है. फिर हम दूसरों से करेंगे, दूसरा कितना काम कर रहा है, उनको कितना मिल रहा है. ओके, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो इस तरह के एनवायरनमेंट में तीन तरह की सिचुएशन बेसिकली प्रोड्यूस होती है, ठीक है? तीन तरह की सिचुएशन प्रोड्यूस होती है, मैं बता देती हूं यहां पे. सिचुएशन वन, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनपुट. ओके, अदर्स आउटपुट, अदर्स इनपुट. पहली सिचुएशन ये है. ओके, पहली सिचुएशन क्या है? जब इंडिविजुअल इनपुट, इंडिविजुअल के खुद के इनपुट और इंडिविजुअल का खुद का आउटपुट, दूसरों का आउटपुट और दूसरों का इनपुट, ठीक है? अगर इंडिविजुअल का आउटपुट और इनपुट और आउटपुट का रेशियो दूसरों के इनपुट और आउटपुट के रेशियो के बराबर है, मीन्स जितने एफर्ट वो कर रहे हैं, जितने एफर्ट मैं कर रही हूं, मुझे उतना ही मिल रहा है, और जो बंदा मेरे जितने एफर्ट कर रहा है उसको भी उतना ही मिल रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन पैदा होगी. इसे बोलते हैं इक्विटेबल, इक्विटेबल सिचुएशन, जिसमें क्या है, मैं जितने एफर्ट कर रही हूं मुझे जितना मिल रहा है, और दूसरा मेरे जितना, जो मेरे बराबर का बंदा एफर्ट कर रहा है उसे भी उतना मिल रहा है,
तो दोनों का हमारा रेशियो क्या है, बराबर है, हम दोनों को बराबर का ही मिला, हम जितना कर रहे हैं हमें मुझे उतना ही मिल रहा है जितना दूसरे को मिल रहा है उतना ही करने पे, ठीक है। तो ये एक इक्विटेबल सिचुएशन है, इसमें वो बंदा क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, सेटिस्फाई, ओके, इसमें उसको क्या मिलेगी, सेटिस्फेक्शन मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, ओके। तो ये क्या फर्स्ट सिचुएशन है। अब सेकेंड सिचुएशन की बात करें, सेकेंड सिचुएशन में क्या है, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनपुट, अदर्स आउटपुट, अदर्स इनपुट, इसमें क्या है, उस बंदे का इनपुट और आउटपुट का रेशियो ज्यादा है, मींस वो जितना कर रहा है उसे उतना ही दूसरा बंदा भी कर रहा है, लेकिन उसे क्या है, दूसरे बंदे से ज्यादा मिल रहा है, समझ रहे हो। अगर ये ए और बी है, ठीक है, ये दोनों सेम से एफर्ट दे रहे हैं, लेकिन इस ये जो ए है इसको जॉब प्रमोशन भी ज्यादा मिल रही है, जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा मिल रही है, सैलरी भी ज्यादा मिल रही है ए को, ए क्या है मैम, लेकिन बी क्या है, दूसरा बंदा है, दूसरे बंदे को मेरे मेरे कंपेटिटिव, ये जो बी है मेरे जितना ही काम कर रहा है, लेकिन इसको सैलरी, जॉब प्रमोशन, सिक्योरिटी मुझसे कम मिल रही है। तो यहाँ इस सिचुएशन में मेरा इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या ज्यादा है दूसरों के कंपेरेटिव, तो इसमें भी क्या होगा, एक तो मुझे ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, इसमें मुझे गिल्ट होगा कि मेरे बराबर ही काम कर रहा है लेकिन उसको मुझसे क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। इसमें मैं ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है, हैप्पीनेस तो होगी लेकिन फ्यू टाइम पीरियड, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड तो कैसे चलता रहेगा, तो कहीं ना कहीं मैं दूसरों के सामने शो नहीं करूंगी, लेकिन मेरे मन में मुझे गिल्ट सा लगेगा कि वो मेरे बराबर ही काम करता है, उसकी सैलरी कितनी कम है, ठीक है, क्या अब तक मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाऊं, ओके। तो ये क्या सेकंड सिचुएशन है जिसमें मेरा इनपुट और आउटपुट का रेशियो क्या ज्यादा है, मींस दूसरा बंदा मेरे जितना ही काम करना लेकिन मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, ओके, ये होगी सेकंड सिचुएशन। अब मैं आपको बताती हूँ थर्ड सिचुएशन क्या होगी, यहीं पे बता देती हूँ, थर्ड सिचुएशन में क्या है, दूसरे बंदे का इनपुट और आउटपुट का रेशियो मुझसे ज्यादा होगा, मींस मैं उसके बराबर ही काम कर रही हूं, उसके बराबर ही एफर्ट लगा रही हूं, लेकिन मुझे कम मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, मींस मैं उस दूसरे बंदे का इनपुट और आउटपुट का रेशियो मुझसे ज्यादा होगा, वो मेरे बराबर ही काम कर रहा है लेकिन मुझे उससे ज्यादा मिल रहा है, तो इस टाइम पीरियड पे मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, इस टाइम पीरियड में मुझे क्या आएगा, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी कि मैं भी तो काम कर रही हूं ना, उसके बराबर ही काम कर रही हूं लेकिन मुझे उसके कंपेरेटिव क्या कम मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये तीन तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है, एक में जितना मुझे मिल रहा है उतना दूसरे को मिल रहा है, ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूं, जितना मुझे मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है लेकिन दूसरे को कम मिल रहा है, तो इसमें मुझे गिल्ट भी होंगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी फील होंगी। थर्ड सिचुएशन में मुझे दूसरे से कम मिल रहा है, तो जिसमें मुझे गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, डिससेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। तो अब बेसिकली ये कंपैरिजन होता कैसे है, जो ये कंपैरिजन क्रिएट हो रहा है, ये कंपैरिजन एक्चुअल में होता कैसे है? ओके, अब ये कंपैरिजन कैसे होता है, दो तरह से होगा, एक तो सेल्फ अदर्स, ठीक है, दो तरह से कंपैरिजन होगा, सेल्फ अदर, सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड, अदर साइड, अदर आउटसाइड, ठीक है। तो यहां पे देखो, सेल्फ इनसाइड का मतलब क्या होता है कि सेल्फ का मतलब मैं अपना अपने आप से कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। सेल्फ इनसाइड में क्या होगा, पर्सनल एक्सपीरियंस इन डिफरेंट पास्ट जॉब या पास्ट पोजीशन
इन सेम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेम ऑर्गेनाइजेशन, पहल एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन। मान लो एक बंदा पहले असिस्टेंट मैनेजर था, ठीक है, अब उसकी प्रमोशन कर दी, अब उसको मैनेजर बना दिया, ठीक है, पहले उसकी पोजीशन क्या थी, असिस्टेंट मैनेजर, अब उसको मैनेजर बना दिया। वो कंपैरिजन करेगा कि जब वो असिस्टेंट मैनेजर था तब तो वो कितना इनपुट देता था, उसके बदले में उसको कितना आउटपुट मिलता था। अब वो मैनेजर बन गया, अब वो कितना इनपुट दे रहा है और उसको कितना आउटपुट मिलेगा, ठीक है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सेम पोजीशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन बदलती रहती है, कभी आपकी प्रमोशन होती है, कभी डिमोशन होती है, कभी भी आपकी ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, आपकी पास्ट में जो पोजीशन थी और आपकी जो अब पोजीशन है, उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप दोनों में कंपैरिजन करते हो, ठीक है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जब मैं असिस्टेंट मैनेजर था तब मैं कितना इनपुट देता था और उसके कंपैरेटिव मुझे कितना आउटपुट मिलता था, अब मैं मैनेजर हूं, मैं कितना इनपुट देता हूं, उसके कंपैरेटिव मुझे कितना आउटपुट मिलता है, ठीक है। ये तो बात थी सेम ऑर्गेनाइजेशन की। अब हम बात करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस, पोजीशन या पास्ट जॉब इन आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब मान लो वो नया नया उस जॉब में आया, उसे उस जॉब के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है, अभी उसने ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है। तब वो क्या करेगा, अपना कंपैरिजन पास्ट ऑर्गेनाइजेशन से करेगा, इनसाइड नहीं कर सकता, इनसाइड तो अभी उसकी पहली पोजीशन है, तो वो क्या करेगा, पास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जो उसकी जॉब थी, अब उसने जॉब क्विट करके किसी कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, तो उन दोनों में कंपैरिजन करेगा। जब मेरी पहले वाली जॉब जो थी किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि हम आउटसाइड बात कर रहे हैं, खुद का खुद से ही कर रहा है, लेकिन पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वो करता था और अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब वो कर रहा है, दोनों में कंपैरिजन करेगा। प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में वो इतने इनपुट लगाता था, उसके बदले में उसको इतना आउटपुट मिलता था, इस ऑर्गेनाइजेशन में वो इतने इनपुट लगा रहा है, उसके बदले में उसको इतना आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो वो किससे कंपैरिजन करेगा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, और यहाँ पे उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही कंपैरिजन करेगा, ओके। अब हम बात करते हैं अदर साइड, अदर इनसाइड मीन्स, ठीक है, अदर इनसाइड मीन्स पर्सन और ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें पर्सन और ग्रुप आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो कंपैरिजन करते हैं किससे करते हैं, हमारे कुलीग के साथ करते हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं जितना काम कर रही हूँ वो बंदा भी उतना काम कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को कंपैरिजन करेंगे दूसरों के साथ, ठीक है। मैं भी उतना काम कर रही हूँ, वो भी उतना काम कर रही है, लेकिन मुझे उससे, उसको मुझसे ज्यादा सैलरी क्यों मिल रही है, उसको क्यों प्रमोशन मिल गई, मुझे क्यों नहीं मिला, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी और चीजें भी मायने रखती है ना, हम बटरिंग कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारे और भी इश्यूज हैं, ठीक है, जो मायने रखते हैं। प्रमोशन आजकल फेयर नहीं होती, बहुत बार फेयर भी होती है, लेकिन बहुत बार फेयर नहीं होती। तो वो बंदा सेम तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा क्लीग है उसको प्रमोट कर दिया गया, लेकिन मुझे क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे हम सेम ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे बंदे के साथ हम अपने आप को कंपैरिजन करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन में आपका कोई फ्रेंड है, वो किसी और कंपनी में काम करता है, वो आपको फोन करके बोलता है कि मुझे आज प्रमोट करा, मेरा इतना पैकेज बढ़ गया, मुझे इतने इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो आप अपने जॉब को जो एक बंदा आपका फ्रेंड जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उससे कंपैरिजन करते हो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सेल्फ इनसाइड, आप उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के साथ अपना कंपैरिजन करते हो, आप जहां से जॉब क्विट करके आए हो अपने पहले वाले ऑर्गेनाइजेशन से अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका काम है उससे कंपैरिजन करते हो। इसमें अदर इनसाइड में आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो बंदे काम कर रहे हैं उससे अपने आप को कंपैरिजन करते हो। यहाँ पे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जो बंदे काम कर रहे हैं आप उनसे अपना कंपैरिजन करते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपैरिजन की सिचुएशन है। अब आप करोगे क्या, अब इस तरह की अगर सिचुएशन पैदा हो गई है तो आप करोगे क्या, ठीक है, इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या है, क्या करोगे, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस में चेंज इनपुट, चेंज आउटपुट, चेंज सेल्फ परसेप्शन। कॉन्सिक्वेंस कुछ मैं यहां लिख रही, क्या करोगे, चूज
another referent, leave the field. ठीक है, ये सब कॉन्सिक्वेंस होंगी अगर आपके साथ ये थ्योरी बेसिकली किस पे बेस्ड है, बंदा बैलेंस क्रिएट करता है ना इनपुट और आउटपुट के बीच में, अगर आपको लगता है कि आपके साथ फेयर नहीं हो रहा, इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, तो अब क्या करोगे, ट्राई करोगे बैलेंस क्रिएट करने की। ठीक है, तो अब कैसे बैलेंस क्रिएट करोगे, चेंज द इनपुट। इनपुट मीन्स अगर आपको लग रहा है कि आप जितने जितने एफर्ट लगा रहे हो, जितनी एनर्जी जितना टाइम दे रहे हो, तो आप अपने इनपुट कम कर दोगे। ठीक है, अपने एफर्ट कम कर दोगे। ठीक है, ये कर सकते हो भाई, कुछ होना तो है नहीं इस ऑर्गेनाइजेशन में, जितना भी काम कर लो, तो इससे अच्छा ना ही करो। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, अपने इनपुट को चेंज कर रहे हो। चेंज द आउटपुट। आउटपुट को कैसे चेंज करोगे, आप मैनेजमेंट के पास जाओगे, डिमांड करोगे कि मुझे भी प्रमोट किया जाए, मुझे भी इंसेंटिव, मेरे भी इंसेंटिव बढ़ाए जाए, मेरी सैलरी बढ़ाई जाए। तो यहाँ पे आप ट्राई क्या कर रहे हो, आउटपुट को चेंज करने की। इनपुट में आपने अपने एफर्ट्स को कम कर दिया, आउटपुट में आप क्या करोगे, आउटपुट चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। कैसे, आप मैनेजमेंट के पास जाओगे, रिक्वेस्ट करोगे प्रमोशन के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, या सैलरी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने आउटपुट चेंज कर सकते हो। सेल्फ परसेप्शन, सारे दुखों की जड़ ही खत्म कर दो, अपनी परसेप्शन ही चेंज कर दो। ठीक है, अगर आप इस तरह की सिचुएशन आती है, अगर आपको लगता है कि दूसरे आपके कंपेटिटिव कम काम कर रहे हैं लेकिन उनको ज्यादा मिल रहा है, तो अपनी परसेप्शन चेंज कर दो, नहीं वो भी काम करते हैं, वो भी मेहनत करते हैं। ठीक है, उनको उनको भी कुछ लेने का हक है। ठीक है, हम दोनों को सिमिलर सा ही मिल रहा होगा, मुझे ऐसे ही व्यायाम हो गया होगा। इस तरह से अपने दिमाग को समझा के अपनी परसेप्शन चेंज कर दो। अच्छा, जब कुछ नहीं हो रहा, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब हम इनपुट भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ लोग होते हैं वो नहीं कर सकते अपने इनपुट चेंज, और आउटपुट भी आपके कहने से चेंज नहीं हो रहे, तो अपने आप को समझा लो, अपनी परसेप्शन ही चेंज कर लो। ठीक है, दूसरा भी कर ही रहा होगा काम, नहीं मुझे फेयर ही मिल रहा, उस जॉब में रहना कहीं और मिल भी नहीं रही तो क्या है। ठीक है, दुखी हो गए काम करना, तो इससे अच्छा अपने आप को समझा लो, अपनी परसेप्शन ही चेंज कर लो। ओके, चूज अदर रेफरेंट। ठीक है, जैसे आप वो कहते हैं ना, अपने से नीचे वालों को देखे, आप अपना कंपेरिजन ए या बी, बी को आपसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो आपके जितने एफर्ट लगा रहा है, अब बी से कंपैरिजन ना करो, सी से कर लो। आपसे नीचे वाले भी तो कोई होंगे जो इतना काम कर रहे हैं लेकिन उनको इतना कम पैसा मिल रहा है, थोड़े अंदर से तो सेटिस्फाई होगा, काम करने का मन तो करेगा। तो चूज द अदर रेफरेंट, और रेफरेंट चेंज कर लो। पहले आप बी से कंपैरिजन कर रहे थे जो आपसे ऊपर था, अब सी से कंपैरिजन कर लो जो आपके जितना आपसे ज्यादा एफर्ट कर रहा है लेकिन उसको कम मिल रहा है। ऐसे लोग भी तो होंगे, ऐसे बंदे भी तो होंगे ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, लीव द फील्ड, सिंपल सी बात है। अगर कहीं और जॉब मिल रही है तो क्विट कर दो, नहीं मिल रही तो अपने आपको समझा समझू के यही सब भी करना पड़ेगा। ओके, अगर मिल रही है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ दो। ओके, आई थिंक आपको इस समझ में आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल थ्योरी है। थैंक यू।